हेलो एवरीवन मैं चाहत वाजपेयी एंड इस बार मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा में फिफ्टी नाइन्थ पोजिशन हासिल की है दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट ऐसे में स्कोर अराउंड 123 124 के आसपास रहा है बट दिस टाइम जबकि मार्किंग कंजर्वेटिव रहा है और मेरा स्कोर इम्प्रूव 143 में हुआ है 143 पर हुआ है सो टुडे बाय डेली नॉलेज ट्रैक आई वुड लाइक टू शेयर माई स्ट्रैटेजी फॉर एस पेपर सो फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल लाइक टू मिथ्स जो मुझे लगते थे ऐसे पेपर के बारे में पहली बात तो मुझे लगता था कि ओनली देर आर सम काइंड ऑफ पीपल जैसे कि जो इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड से हैं या फिर जो लोग बहुत रेगुलरली ब्लॉग लिखते हैं या फिर ज़्यादा एकेडमिकली लिखते हैं सिर्फ वही लोग ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं ऐसे पेपर में ना लेट मी टेल यू बिल्कुल भी ऐसा नहीं है अगर आप इसके लिए राइट right तरीके से प्रिपेयर करेंगे दैन यू कैन गेट अ डिसेंट स्को वट आई यूज़ टू थिंक इज़ कि अगर आप सारा जी एस प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ऐसे पेपर प्रिपेयर हो जाता है टू सम एक्सटेंट दिस इज़ ट्रू दैट जी एस से आपको बहुत ज़्यादा फॉर्डर मिल जाता है बट ऐसे पेपर डू रिक्वायर अ वेरी डेडिकेटेड प्रिपरेशन और एंड लाइक गोइंग बियॉन्ड राइटिंग जस्ट वन और टू एसेज हेयर एंड देयर आपको थोड़ा इसके लिए प्लान प्रिपरेशन भी करना पड़ता है सम ऑफ़ द चेंजेस जो मैंने किए अपनी इस साल की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में कंपेयर टू लास्ट ईयर जो कि वो मेनली ये थे कि पहली चीज़ तो अगर आप मोनाल्ड का वेबसाइट देखेंगे तो उसने बड़े अच्छे से ऐसे के पेपर्स को एनालाइज किया है देर आर अराउंड सेवन एट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच हैव बीन आस्ड एवरी ईयर इन पेपर जैसे कि एक पॉलिटी का सेक्शन है पॉलिटी फेडरलिज्म सोसाइटी वाला पास सेक्शन है डेमोक्रेसी से रिलेटेड जैसे मेनली रिलेटेड टू पेपर टू एक इकनॉमी एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है उस वो आता है ऐसे में एक एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आता है देन वुमेन एजुकेशन एंड फिलोसफिकल तो ये मेन टाइप ऑफ एसेज हैं जो हर बार आते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेक श्योर कि आप हर एक टाइप के कुछ एसेज प्रैक्टिस करते हैं आई रिम्बर इन सी एस सी टू थाउजेंड सेवेंटीन बिफोर डेट आई हैड प्रिपेर मेनली दी एस एज़ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उस बार एक एजुकेशन का ऐसे आया एक वुमेन uh, का भी ऐसे आया था लाइक डेस्टिनी इन ऑफ द नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लास रूम ये एजुकेशन का था न्यू वुमेन फुलफिल्मेंट इज़मत थे वुमेन uh, से रिलेटेड था ऑल दो आप फिर लिख तो लोग पर उतना अच्छा ऐसे नहीं लिख पाओगे कभी भी अगर आपने उसे थोड़ा प्रिपेयर नहीं किया है सेकेंडली एज आई सेड अर्लियर एवरीथिंग नीड्स प्रिपरेशन तो ऐसे में भी आपको लाइक वॉट आई डिड आई आई रोट अराउंड ट्वेंटी फाइव थर्टी एसेज ओके नॉट कम्प्लीट एसेज बट एटलीस्ट उसका स्टार्टिंग और उसका पूरा एक फॉर्मैट सोचते हुए उसकी uh, कैसे उसमें ट्रांजिशन करना है एक एक पैरा से दूसरे पैरा में एक किस तरीके से उसको एंड करना है किस तरीके से उसका वे फॉरवर्ड करना है इस तरीके से मैंने ऑलमोस्ट 25, फाइव थर्टी तो प्रैक्टिस किए ही होंगे ज़रूरी नहीं है कि आप जो ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो वो आ जाए बट इट वुड हेल्प यू इन रियलाइजिंग कि आपका कंफर्ट जोन कैसे कौन सा है कि किस तरह के ऐसे लिखने में आपको कम्फर्टेबल comfort, फील होता है तो फिर आप एग्जाम में जल्दी अपना टॉपिक सेलेक्ट कर पाओगे थर्डली ऐसे की टेस्ट सीरीज़ के ऊपर बात करें तो मैंने इस बार लोकमान आई एस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था ऐसे के लिए टू सम अबाउट सम ऑफ इट्स पॉजिटिव पॉइंट उसमें एक तो वो लोग के सेक्शन टेस्ट होते हैं कि तो दैट विल मेक श्योर कि आप हर एक टॉपिक से ऐसे कवर कर ही लो दे प्रोवाइड अ आंसर सॉर्ट ऑफ फॉर एवरी ऐसे पेपर तो वो भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल होता है मोर मोरलेस लाइफ वहाँ पर आप अंसारी सर से मतलब पर्सनली बात भी कर सकते हैं तो फिर डिटेल्ड वो आपको पर्सनलाइज फीडबैक दे देते हैं बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से कि किसी भी टेस्ट सीरीज में जाएं आप अपना जो पर्सनल एफर्ट जो पुट करते हैं और पर्सनल इवेल्यूएशन करते हैं दैट मैटर्स अ लॉट तो टेस्ट सीरीज तो कोई भी आप नहीं अपना पर्सनल इवेल्यूएशन विल मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस देन एज फॉर एज द कंटेंट ऑफ द एस एज कंसर्न दिस टाइम आई ट्राई टू डू कंटेंट फ्राम एज मैनी सोर्सेज एज पॉसिबल जैसे कि आप योजना का स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट uh, पेज होता है इंट्रोडक्शन का वहाँ से ऐसे का फॉर्डर मिल जाता है कई सारे टॉपर्स जो अपने ब्लॉग में अपने एसेज डाल देते हैं जैसे गौरव अग्रवाल सर ने डाला है वहाँ से मिल सकता है कई सारी जो आंसर्स होते हैं टॉपर्स की कॉपीज डली होती हैं वहाँ से मैंने अपना कंटेंट लिया मतलब जहाँ से भी आपको एक कुछ भी अच्छा सा मिल रहा है अपने ऐसे के लिए तो आप ले लीजिए क्योंकि स्टार्टिंग एंडिंग कुछ कुछ ऐसे इसके अगर प्रिपेयर करके रखेंगे देन इट्स वेरी बेनिफिशियल लाइक आई रिमेंबर एक जुडिशरी के ऊपर ऐसे था उसमें अबाउट जुडिशियल इंटीग्रिटी अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऐसे करके क्वेश्चन uh, था समबडी हैड स्टार्टड बाई दैट Any talk of justice starts with Lady of Justice, and Lady of Justice, she holds a scale, a sword and a uh, and is blindfolded. और उन्होंने फिर इन तीनों चीजों को connect किया जो starting topic में लिखा था कि is blindfolded जिसे कि वो neutrality maintain कर, कर, कर सके, she holds a scale जिस, जिसे कि individual interest को society के interest से balance कर सके तो so, इस तरीके से आई कुड हैव नेवर था ऑफ सच अ स्टार्टिंग बट वैन आई रेड इट आई जस्ट बोरोड इट कि अगर कभी इस तरीके का आता है और मैं कहीं अगर इसे लिख सकती हूँ आई विल डेफिनेटली इनकलकेट एज फार एज राइटिंग एंड एस एज कंसर्न आई रिमेंबर लास्ट ईयर अनुकुमारी मैम हैड शेयर हर स्ट्रैटी ऑफ एस ए राइटिंग और उन्होंने कहा था कि एग्जामिनर को आपका ऐसे पढ़ते समय ऐसा लगना चाहिए लाइक ही इज़ ओनली ड्रिंकिंग वाटर मतलब इतना फ्लूडली फ्लो होना चाहिए और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए तो ऐसे में ज़्यादा फ्लारी लैंग्वेज और ज़्यादा हाई लेवल वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ बहुत ही फ्लूड लगना चाहिए तो मैंने उसके लिए एक काम किया कि अर्लियर आई यूज टू राइट सब हेडिंग्स बट दिस टाइम आई ट्राई टू अवॉइड इट जिससे कि एक ज़्यादा फ्लूडिटी लगे ऑल दिस इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट टूल and many students score very well even by writing headings तो so, आपको जैसा भी comfortable लगे starting of the essay जो होता है जब जब आप किसी टॉपिक को start करते select सिलेक्ट करते हो उसका एक मेन criteria ये भी होता है कि क्या आपके पास ऑलरेडी उसकी स्टार्टिंग एंडिंग prepared है क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ essay और एंडिंग ऑफ एस होता है दैट इज़ समथिंग दैट लीव्स maximum इम्पैक्ट ऑन दी एग्जामिनर तो वो जितना ज़्यादा अच्छा होगा वो आपका स्कोर उतना ही ज़्यादा जा सकता है फॉर स्टार्टिंग um, मैंने कुछ कुछ चीज़ें प्रिपेयर की थी जैसे कि कोर्ट्स प्रिपेयर किए थे जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है तो दो तीन तरीके की स्टार्टिंग मैंने तैयार करके रखी थी कि अगर जो जो भी चीज़ जहाँ फिट हो जाए कि कुछ कोर्ट्स याद रखे थे एक मैंने एजुकेशन के लिए डाइकोटॉमी स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी कि ऑन वन हैंड इंडिया हैज़ दी It has a prestigious position that it is rejuvenating the world's workforce, and it has in, in, in the past also the first um, university was at Takshila and, and like that. And to, even today, the CEOs of top MNCs like Google, Microsoft are Indians. And on the other hand, Steve Wozniak, Apple co founder, pointed out that Indians lack creativity. इस तरीके से कुछ एक डाइकोटॉमी करके भी मैंने स्टार्टिंग एक प्रिपेयर करके रखी थी और कुछ ऐसे इसके लिए मैंने ये भी कोशिश किया था कि इफ़ आई कैन राइट सम स्मॉल पोएम्स जैसे कि आई रिमेम्बर मिताली सेठी मैम शी हैड रिटन अ वेरी नाइस पोएम एंड शी वाज वन ऑफ द टॉप स्कोरर आई थिंक लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर बट अगेन आई वुड से कि ये चीज़ें तभी इनकलकेट कीजिए जैसे कोट्स हैं जैसे पोएम्स हैं जब वो सही में वहाँ फिट हो रही हैं नॉट बिकॉज ओनली कि आपने प्रिपेयर किया है तो आपको कहीं घुसाना ही है जैसे कंटेंट होता है ऐसे का कंटेंट इज़ द मेन पार्ट कंटेंटली सोचते कैसे हैं उसके लिए मैंने कुछ ऐसे प्रिपेयर करके रखा था कि यूजली uh, लोग कहते हैं कि आप स्पेक्लिक के फोमैट फोमैट में सोच सकते हैं सोशल पॉलिटिकल इकनॉमिक कल्चरल इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक एंड हिस्टोरिकल और ह्यूमनिस्टिक बट वॉट आई यूस टू डू इज़ आई यूस टू थिंक ऑफ द कंटेंट इन द इन टर्म्स ऑफ पेपर कि पेपर वन कैन आई रिलेटेड टू हिस्ट्री जोग्राफी सोसाइटी फिर पेपर टू में जो चीज़ें हैं जैसे कि पॉलिटी गवर्नेंस आई आर फिर पेपर थ्री में जो है इकनॉमी इन्वामेंट साइंस सिक्योरिटी तो उस तरीके से सोचना और आसान पड़ता था कुछ कुछ ऐसेज में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ कुछ ऐसे में कॉजे कंसिक्वेंसिस सोल्यूशन इस तरीके से भी लिखना होता है डिपेंडिंग ऑन वॉट इज द टॉपिक ऑफ द एसे वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाईल राइटिंग द एसे इज दैट वी मस्ट नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द एसे फ्राम का टॉपिक जो भी है हमें डाइवर्ट नहीं होना चाहिए दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड इन सी एस सी टू थाउजेंड सेवेंटीन आई रिमेंबर The topic was related to uh, social media is uh, inherently selfish, something like that. And I started with history of social media, and that covered almost one and a half, two pages. That was not at all needed because the topic itself is saying that it's an inherently selfish medium. So. ये बिल्कुल माइंडफुल रहिए कि आप जो टॉपिक में पूछा है उसे लिखते जाइए सिर्फ जो आपको आता है वही ना लिख रहे हैं इसके लिए एक चीज़ जो की मैंने वो ये कि आफ्टर एवरी पेज आई यूस्ट टू गो बैक एंड सी द टॉपिक दैट आई एम वेदर आई एम डाइवर्टिंग और नॉट एंड वन मोर थिंग दैट आई ट्राइड वॉज दैट आफ्टर एवरी पैराग्राफ आई यूस्ट टू गो टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन जैसे कि इस बार एक क्वेश्चन था मैनेजमेंट ऑफ इंडियन बॉर्डर्स इज अ डिफिकल्ट अफेयर इज कॉम्प्लिकेट So, if I am writing some problems that, like geographical problems, are there so, at the end of the paragraph, I, I I used to write. So, this all these things make management of the border complicated. Again, at the end of the world, this such and such issues raises the problem of management of Indian borders. So, in this way, if you have every paragraph every one, every you have the language of the question used. तो वो भी एग्जामिनर को लगेगा कि ज़्यादा फ्लो में जा रहा है और ज़्यादा सीक्वेंस में जा रहा है और ज़्यादा डाइवर्ट नहीं हो रहा है ओवरऑल एट दी एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो है सिर्फ कंटेंट पर ना फोकस करते हुए प्रेजेंटेशन पर भी फोकस कीजिए अगर आपके पास भले ही कंटेंट थोड़ा कम है लेकिन आप बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना कि जैसे डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं और एक फ्लुइडिटी मेंटेन करके रख रहे हैं ऐसे में देन आई थिंक यू कैन डेफिनेटली इम्प्रूव योर स्कोर थैंक यू सो मच